चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है सीएआईबी का एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए है, यूनिट नंबर 3 है। चैप्टर का नाम हो गया मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। जिनको पूरा कोर्स कर रहा हूँ वो यहाँ पे जो मेरा फोन नंबर दिया है यहाँ पे फोन करके जान सकते हैं। अब चलिए चालू करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है मनी क्या काम करता है, पैसा क्या काम करेगा। बेसिकली पैसा को अगर देखा जाए, मनी को देखा जाए, तो चार काम करते हैं ये। चार काम क्या क्या कर सकते हैं ये चार फंक्शन क्या क्या कर सकते हैं ये। जो पहला हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी ये एक्सचेंज के रूप में काम आता है। इसका क्या मतलब हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मान लीजिए कोई सामान खरीदना चाहते हैं, कोई इंडिविजुअल गुड्स है, इंडिविजुअल सर्विसेज है, या कोई फिजिकल एसेट्स आप खरीदना चाहते हैं जिसका मूल्यांकन मतलब वैल्यू प्राइसिंग आप कर पा रहे हैं मनी के टर्म पे। भाई इतना रुपए दोगे तो भाई तो आपको ये सामान मिल जाएगा, या उसी चीज को एक्सचेंज कर पा रहे हैं मनी को लगा के। तो मैडम एक्सचेंज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को आप एक्सचेंज कर रहे हैं पैसे की वैल्यू पे। क्या कर रहे हैं? पैसे की वैल्यू पे एक्सचेंज कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये पेन है जिसका दाम 25 रुपए है, तो आप इस पेन को 25 रुपए देंगे तो ये पेन आपको मिल जाएगा। यानी एक्सचेंज ही हो रहा है, मनी क्या और एक्सचेंज कर रहे हैं इसके। ये आपने एक आदमी को ये मिला, उसके मतलब पैसा मिला दूसरे को, एक्सचेंज हो रहा है। उसकी वैल्यू की हुई है कि भाई इतने रुपए दोगे तो आपको सामान मिल जाएगा, चाहे आप उससे गुड्स हो, सर्विसेज जो है, फिजिकल एसेट्स कुछ भी खरीद सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी को यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए वैल्यू ऑफ गुड्स को। तो मेजर वैल्यू में क्या जाएगा, मनी को यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जो वैल्यू ऑफ गुड्स होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, इसका क्या मतलब होगा स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम का? बोलता है कि मनी को आप एक सर्टेन पीरियड तक अपने पास हेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम का मतलब होगा कि मनी को जो है आप एक सर्टेन पीरियड तक अपने पास हेल्ड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और उसको आप यूज किया जाता है फाइनेंस करने के लिए फ्यूचर पेमेंट्स के, ठीक है। या जो स्टोर वैल्यू पेमेंट ओवर टाइम का मतलब हो गया कि मनी को आप हेल्ड करते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद इसको यूज किया जाता है फाइनेंस करने के लिए फ्यूचर पेमेंट्स में, ठीक है। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, अब स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? यह बोलता है कि मनी को यहाँ पे एग्री किया गया है। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब होगा कि मनी को यहाँ पे यूज किया जाता है एग्रीड मेजर के लिए, ठीक है, जो कि फ्यूचर रिसिप्ट और पेमेंट का कॉन्टेक्ट में किया जाएगा। यानी स्टैंडर्ड डेफर्ड्स एंड पेमेंट का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि मनी को यूज किया जाता है एज एन एग्रीड मेजर, यहाँ पे एग्रीड मेजर के रूप में, जहाँ पे फ्यूचर रिसिप्ट और पेमेंट्स की बात कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट्स में। फिर मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का क्या हो जाएगा यहाँ, मतलब कि ये रेफर करता है स्टॉक जो मनी में, मनी सप्लाई का मतलब ये रेफर करता है उस तरह के स्टॉक्स को या उस तरह के मनी के स्टॉक्स को जो कि सर्कुलेशन में होगा इकोनॉमी में, ठीक है। ये क्या करता है, रेफर करता है उस तरह के स्टॉक्स को या मनी को जो कि सर्कुलेशन में है, इसलिए हम बोलते हैं मनी सप्लाई, कितना स्टॉक में है मनी आपके पास। फिर हो जाएगा उसके बाद आपका चार फॉरमोस्ट कॉमन मेजर्स जो है मनी का, सबसे फॉरमोस्ट कॉमन मेजर्स क्या क्या है मनी के वो आप देख लीजिए। मेजर्स का मतलब हो गया नापने का तरीका। तो पहला बोलते हैं कि नेरो मनी बोलते हैं, M1 क्या है, नेरो मनी, ठीक है। ये बोलते हैं कि ये वो पैसा की बात कर रहा है जो करेंसी विद पब्लिक होगा, यानी पैसा जो पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम हो जाएगा, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई हो जाएगा। M2 क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू M1 यानी नेरो मनी प्लस सेविंग डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हो जाएगा। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम हो जाएगा। M4 इज इक्वल टू M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हो जाएगा, जो कि एक्सक्लूड करता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो क्या करता है एक्सक्लूड यानी छोड़ के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि सस्टेन्ड राइज, ज्यादा राइज होता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या है, सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। इन्फ्लेशन मतलब सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन क्या हो गया, सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये सारा पॉइंट्स को प्लीज कॉपी में आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनने में बहुत हेल्प हो जाए। यहाँ पे आप सीआईबी का पूरा वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिवीजन नोट होगा, एडिशनल रीडिंग मटेरियल रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा।
यहाँ पे दो तरह के सीआईबी के कोर्सेज है, एक पीपीटी वीडियो कोर्स है जिसमें सीआईबी का एबीएम करें, बीएफएम करें, रिटेल बैंकिंग करें उसका दाम 800 रुपये, सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे उसका दाम 1500 रुपये, सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम 2000 रुपये। अगर आप सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं जिसमें सीआईबी का एबीएम हो, बीएफएम हो, रिटेल बैंकिंग हो उसका दाम 1500 रुपये, सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम का दाम 2700 रुपये, सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymittal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sirsena123@gmail.com।